विधानसभा क्षेत्र का एक 10 वर्षीय बालक धरती पुत्र के निधन की खबर से व्याकुल हो उठा और उनके अंतिम दर्शन के लिए बिना घर में किसी को बताए ही नौतनवा स्थित लक्ष्मीपुर स्टेशन से ट्रेन पकड़कर सैफई के लिए निकल पड़ा। वो बिना पैसे के बिना कुछ खाए पिए रास्ता भटककर कानपुर पहुंच गया, जहां उसे जीआरपी ने रोककर पूछताछ की तो पूरा मामला सामने आया, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हमारा नाम है छानूलाल यादव, जा रहे हैं तो छे पही यहाँ से जाए लक्ष्मीपुर ट्रेन पे बैठे हैं, वहाँ से गए दौलतपुर, फिर वहाँ से बैठे हैं गए तानपुर, तानपुर से फिर बैठे ही तावा, तब वहाँ पूछे हम तो जाना है छे पही, तब तो फूल वाले ने हमको गलत रास्ता बता दिया, तानपुर चले आए। अब यहाँ से रास्ता गलत बता दिए सब लोग, हमारे बाबा ने फोन करी है ये भैया पास, ये भैया ने हमको लिया था। इस बच्चे के बारे में जैसे ही माननीय जी को सूचना मिली तो इस दुख के घड़ी में भी उनको इतनी फिक्र थी इस बच्चे की, उन्होंने फ़ोन करके कहा कि सकुशल इस बच्चे को जहां भी हो पहले प्रबंध करो इनके घर जाने का, और अगर ये आना चाहें तो इनको सकुशल ले करके हमारे पास आओ। बीते दो दिनों से